अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। इन्फॉर्म भी करेंगे, कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, जिस मीडियम में वीडियो अपलोड करी थी फेसबुक पे, कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने गए थे हम लोग। गाँव से यहाँ पहुँचे थे अभी, और क्या मांग रखी है आपने यहाँ पर? सर, हम ग्राम सियासी और जो इन चार लोगों पे केस चले हैं उसकी मांग के लिए हम आए हैं। प्रशासन के द्वारा हमको धमकी दी जा रही है। लड़का दीपक चौहान, लड़की आरती, इन लोगों के खिलाफ जिस रास्ते से हमारा इनका घर है उस रास्ते से हमारा निकलना है। प्रेकर जितने भी मतलब सतोष साहब की वाइफ राजा मल्ले की मम्मी कहाँ हैं वो भाभी, ये हैं इनकी, मतलब इतने प्रेरित कर रहे हैं कि जो लोग बेचुप का केस लगाया गया है और वो बाहर हमसे संपर्क नहीं भाग रहे हैं, उनको लेके हमने आज तक अब शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करा है। बाकी वो लोग सिर्फ विवाद की मूड में है। लड़की बोलती है मेरा मिस्टर आर्यन है, बुला के गोली मरवा दूंगी। लड़की बोलती है कि औरतों को उठवा के उनका बलात्कार करवा दूंगी। बच्चे सामान लेने जा नहीं सकते चैन से, मतलब हम केस झूठा बनाने के बाद में भी हम खुद इतने डरे डरे रहे हैं कि जिसका हिसाब लोटा भर के हैं। इनकी मम्मी धमकी कल प्रशासन नहीं थी बेन पिटाने से, कल बेन पिटाने से पुलिस सही थी, आके चूना डाल के गई, रस्ते से नाप करके गई घर तोड़ने का आदेश से। हम लोगों से जब से वो लोग निर्दोष गए जिन पे झूठा केस बनाया, जब से वो लोग गए यही मैंने समर कोई संपर्क नहीं, न्यायालय में उनका हिसाब चल रहा है। जो भी निपक्ष जांच आएगी उसके लिए वो तैयार है। अगर वहाँ से फैसला आ जाता है 8-15 दिन के लिए हमें टाइम चाहिए, जो भी फैसला आ जाता है उसके लिए वो सरेंडर करने के तैयार है। हम न्याय के साथ रहेंगे हमेशा, ना कोई भी क्रिमिनल नहीं है सर, तो उनके लिए भागेंगे। परिवार वाले लोग हैं, ये सर पर की वाइफ है, इनकी मम्मी ने 2.5 महीने से खाना पीना सब छोड़ चुकी है, इतनी परेशान है, अकेली वाइफ है, ये उनकी मम्मी है जो घर के सामने रहते हैं। अच्छा, किसकी मृत्यु हुई थी और किन लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ था? कमल चौहान की मृत्यु हुई थी, उनका लड़का अब दबाव बना रहा है, उनकी लड़की आरती चौहान, उनका मिस्टर आर्मी में है, वो रोज दिन घर के सामने से निकल के 2-4 इंसान लेके आते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, जितने भी अब शब्द हैं सभी इस्तेमाल करते हैं सभी के लिए। लेडीज को बोलते हैं उठा लेंगे, बलात्कार करवा देंगे, मेरा आदमी आर्मी में, बुला के गोली भरवा देंगे, बच्चों को भरवा देंगे। अच्छा, आपके पक्ष के किन लोगों पे प्रकरण दर्ज हुआ है? हमारे पक्ष के राजा सरपंच राजन चौहान, राजेश मालविया, नासिर पटवारी जी, अभी जिला न्यायालय में केस चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और हम उसी के लिए इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। हमें कानून से बिल्कुल अलग नहीं जाना, जो भी कानून का फैसला होगा वो हमें मंजूर है, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी। ठीक है, अभी क्या चर्चा हुई आपकी, अभी क्या बोला? बात हुई है, सर ने आश्वासन दिया है, हमारा आवेदन ले लिया है सर ने। ठीक है, और एक प्रत्येक मेंबर पे वो लड़का एक एक मेंबर से 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं, पर मेंबर से 80 लाख रुपए मांगे हैं कि मैं समझौता कर लेता हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुल्ताना शेख है।